हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो पंखे में रेगुलेटर और स्विच लगाने के बारे में। आज हम कनेक्शन करेंगे स्विच और रेगुलेटर का पंखे में। तो ज़्यादा देर ना करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बोर्ड बना लेते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड बना हुआ है। इसमें एक ये यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है। ये स्विच है, स्विच का हम निशान एस से करके बना देते हैं। और ये हमारा रेगुलेटर है। हमारे रेगुलेटर में भी दो पॉइंट होते हैं, यानी दो वायर होते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के ये दो वायर होते हैं। तो अभी हमको कनेक्शन कैसे करना है इसका, तो देखिए, जैसे हमारा ये यहाँ से एक न्यूट्रल है ये, और ये दूसरा वाला जो हमारा फेस है, ये हमारा फेस हो गया, यानी लाइन हो गया। तो अभी कनेक्शन क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये पंखा लगा हुआ है, ये पंखे के भी दो, ये देखिए, ये पंखे के भी ये पंखा लगा हुआ है, इसमें भी हमारा दो पॉइंट निकलेगा। तो अभी हमको कनेक्शन कैसे करना है, तो देखिए, कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, एक यहाँ पर हमारा जो स्विच है, स्विच पर हमेशा हमारी लाइन आएगी। स्विच पे कहीं भी कभी भी कनेक्शन करना है तो स्विच पे हमेशा लाइन दिया जाता है। यहाँ पे स्विच पे लाइन आ गया है, और यहाँ से हमारा जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ से एक वायर हमारा लगेगा रेगुलेटर के लिए। अब ये दो पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, एक यहाँ से ये बचा हुआ है रेगुलेटर का एक वायर बचा हुआ है, और दूसरा ये हमारा न्यूट्रल का। तो अभी हम क्या करेंगे, एक तार हमारा जो न्यूट्रल का होता है वो हमेशा डायरेक्ट जाता है, तो पंखे पे हम एक वायर ये डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। ये पंखे पे एक न्यूट्रल चला गया, और जो हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है पंखे का, ये हमारे रेगुलेटर से ऐसे इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाएगा। इस डिज़ाइन से ये हमारा कनेक्शन होगा, यानी कि स्विच पे हमारा मेन लाइन जाएगा, और न्यूट्रल हमारा पंखे के लिए डायरेक्ट रहेगा, और स्विच के एक पॉइंट पर रेगुलेटर का तार रहेगा, और दूसरा वाला वायर जो है ये हमारा सीधे पंखे पे जाएगा। तो देखिए, अभी हम आपको करके भी दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा स्विच है और ये रेगुलेटर है। तो हमारा, मैंने जैसे बताया था, इस पे हमारा मेन जो वायर है वो यहाँ पे स्विच पे आएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं, मैंने पंखे की जगह चेक करने के लिए होल्डर लिया है, तो ये होल्डर को हम लगा के चेक करेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि पंखे का ही कनेक्शन है। तो ये मैंने ले लिया है ये एक होल्डर, इसमें हम बल्ब अभी लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमारा मेन लाइन है, ये हमने दो वायर ले लिए है, ये अलग से हम मेन लाइन देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये होल्डर में जो हम एक न्यूट्रल लगा देते हैं, ये मैंने देखिए होल्डर में एक न्यूट्रल दे दिया है, और दूसरा हमारा जो फेस है ये हमारा ये स्विच पर आएगा। जैसे मैंने बताया है कि स्विच पे हमेशा फेस दिया जाता है, तो ये देख लीजिए, मैंने स्विच पे फेस दे दिया है। अब ये स्विच के दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, रेगुलेटर का एक वायर यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, मैंने रेगुलेटर का ये वाला वायर लगा दिया है। अब अभी हमारा बचा क्या है, ये रेगुलेटर का तार बचा हुआ है, और ये हमारा जो है ये होल्डर का ये बचा हुआ है। तो हम ये देखिए, ये रेगुलेटर का ये वाला वायर हम लगा दिया है होल्डर में, यानी कि रेगुलेटर का एक लगेगा और दूसरा हमारा न्यूट्रल का लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे कि यह हमारा कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये बल्ब को लगा देंगे इसमें चेक करने के लिए कि हमारा जो है रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, ये मेन लाइन हम मेन कनेक्शन दे देते हैं। ये मैंने मेन कनेक्शन दे दिया है, ये आप देख सकते हैं बल्ब स्लो जल रहा है, और तेज़ करेंगे, ये देखिए तेज होता जा रहा है, ये देखिए बंद हो गया है, फिर से स्लो, ये 3-4, यानी कि बल्ब जो हमारा
बस वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे पंखे को कम ज़्यादा करना रहता है उससे काम करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप स्विच से बंद कर सकते हैं, फिर चालू करना है फिर चालू कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर रेगुलेटर इस्तेमाल करना है कम या ज़्यादा करने के लिए तभी आप रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं बंद कर दें तो ये आप बटन से बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन एकदम ईजी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।